हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए Q&A वीडियो में। और जो भी Q&A होता है वो थोड़ा सा मेरा लंबा जरूर होता है, लेकिन इस रियलिटी के साथ कि जेन्युइन एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करते हैं। तो आज बहुत सारे कमेंट्स हैं, लेकिन कम से कम 15-20 का रिप्लाई जरूर करने की कोशिश करेंगे। हम बार बार रिफ्रेश करेंगे, जिसकी किस्मत में ऊपर के 10-15 कमेंट्स होंगे उन लोगों का रिप्लाई सब मिल जाएगा। ठीक है सर, तो पहला क्वेश्चन है अनमोल गेमिंग 09 का, एक घंटे पहले ही इन्होंने पूछा है सर, जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। सर MJPRU BSC थर्ड ईयर के एग्जाम कब तक होंगे? ठीक है, कोई आइडिया है तो बता दीजिए, जिससे हम अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। MJPRU की अगर आप बात कर रहे हैं तो आप अंदाजा मान सकते हैं कि मेरे हिसाब से मई के आसपास आपके एग्जाम हो जाने चाहिए, क्योंकि अभी इंप्रूवमेंट का रिजल्ट आएगा, फिर एडमिशन होगा, यानी आप मान सकते हो मई से पहले तो नहीं होंगे, हो सकता है जून में भी चले जाएं सर। ठीक है, लेकिन आप तैयारी करते रहें। और बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि BSC फाइनल ईयर के क्लासेस क्यों नहीं आ रहे हैं, आएंगे मेरे भाई। देखिए अब जैसे थर्ड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम आ गए, झोंक देंगे पूरी तरीके से, सारा कुछ करा के उनके अच्छे से पेपर करवाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग मूव ऑन कर जाएंगे। तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए, सुबह से शाम तक यहीं बैठे हैं और आपके लिए बहुत सारा कॉन्टेंट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं सर। ठीक है, उसके बाद सर जी आपकी BSC वाली वीडियो से मुझे काफी हेल्प मिली है, इसके लिए आपको दिल से लव यू ऑल, लव यू सर जी। अरे वाह सर जी, थैंक यू। कुमार गौतम जी कह रहे हैं बिल्कुल भाई। उसके बाद वायरल मोही शायद इनका नाम है, कह रहे हैं सर ट्वेल्थ के बाद BCA करना कैसा रहेगा? मेरे हिसाब से BCA एक बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन ओवरऑल आप ये बात समझ लें, देखो BCA इसलिए अच्छा है क्योंकि रियलिटी है इस समय हर आदमी चाहता है उसकी वेबसाइट हो, हर आदमी चाहता है उसकी एप्लीकेशन हो, हर आदमी डिजिटल मार्केटिंग की तरफ बढ़ रहा है और ये ग्राफ भी ऐसे करके जा रहा है। ठीक, 2030 तक ग्राफ बहुत ऊपर जाएगा, लेकिन आप ये श्योर कर लें कि जहां से आप कर रहे हैं वो एक अच्छा कॉलेज हो, आपको सीखने को मिले। उल्टी सीधी जगह से अगर आपने कर लिया भाई मेरे, फिर तो कई ऐसे भी लोग हैं BCA करने वाले, हम जानते हैं BCA किया बाद में डिलीवरी कर रहे हैं वो सर। ठीक है, तो ओवरऑल यही है, अगर आपको नॉलेज है तो बहुत अच्छा है, BCA के साथ जाइए। हाँ, एक आम आदमी की बजट से थोड़ा सा महंगा भी होता है सर। ठीक है, जैसे BA है BSC 1000-2000-5000 में हो जाता है, लेकिन रियलिटी है BCA में पैसा खर्च होता है अगर आप एक अच्छे कॉलेज से करते हैं सर। ठीक है सर, अभी ट्वेल्थ दिया है, BSC में हर टॉपिक डिटेल में पढ़ना जरूरी है क्या, कि हम केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 60+ स्कोर कर सकते हैं? PCM में सर मैं बैच नहीं ले पाऊंगी, आप YouTube पर कंप्लीट करा देंगे? सर आप मैथ्स भी कराइएगा, 70%+ BSC करना है, बैंकिंग में जाना है, मार्गदर्शन करें, अंजलि वर्मा जी। तो सबसे पहले तो हम ये कंफ्यूजन दूर कर दे रहे हैं। कल भी एक बच्चे ने कॉमेंट किया था कि सर ने तो अब जो है बैच लॉन्च कर दिया, इसका मतलब अब हम लोगों का क्या होगा? नहीं जी, सब कुछ हमने YouTube पे फ्री पढ़ा रखा है और आगे भी वीडियोस आती रहेंगी। देखिए अभी हमने क्या कहा, फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए कंप्लीट महा रिवीजन क्लास लेके आ रहे हैं, तो टेंशन नहीं लेनी, सब कुछ सारे क्लासेस आते रहेंगे। कोर्सेज से ये होता है हम लोग सिर्फ एक YouTube चैनल बन के नंबर एक नहीं रह जाएंगे। दूसरी बात, कुछ जब चीजें इकट्ठी होती हैं जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो उनसे बाकी लोगों तक हम लोग मदद पहुंचा पाएंगे जब चीजें बनती हैं सर। ठीक, बस यही है, बाकी सब कुछ आता रहेगा। BD कैडेट 11th पे 11th क्लास आएंगे, 12th पे 12th आएगा, सब आता रहेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं अंजलि जी। ठीक है सर, BSC सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स और केमिस्ट्री की महाक्लास कब आएगी? ये क्वेश्चन आपका बढ़िया है देवांश भाई, काफी लोगों ने पूछा, लेकिन रियलिटी है इधर हमारी तरफ MJPRU यूनिवर्सिटी लगती है, इसके एग्जाम शुरू हो रहा है जो 10-12 तारीख को खत्म हो जाएंगे। जब ये खत्म हो जाएंगे फिर सेकेंड सेमेस्टर ही चलेगा मेरे भाई अंदाजुन तरीके से। ठीक है, बिग ड्रीम सर, केमिस्ट्री में बना के लिखे हैं पूरा तो पासिंग मार्क आ जाएंगे ना? बिल्कुल भैया आ जाएंगे। और हाँ, ये हम बीच में बता दे रहे हैं, जो लोग नए हैं पता नहीं है, गूगल प्ले स्टोर पर जाके सर्च कीजिए BD कैडेट एप्लीकेशन, डाउनलोड कर लीजिए, बहुत सारा कंटेंट हम आपके लिए वहां पर फ्री भी लाने वाले हैं मेरे भाई। उसके बाद सर मेरे अंदर, आदित्य भाई पूछ रहे हैं सर मेरे अंदर चित्रकारी है। ठीक है, अच्छा केमिस्ट्री में बना के लिखा, अगर आपने रिलेटेड लिखा हुआ है और आराम से मतलब ठीक ठाक लिख दिया तो पास हो जाओगे, कोई टेंशन नहीं है। सर मेरे अंदर चित्रकारी का टैलेंट है तो हम क्या कर सकते हैं? मेरे भाई अगर आपके अंदर कोई भी टैलेंट है, जैसे आप उन्हें जानते हैं सौरभ जोशी को, जो इस समय दुनिया के सबसे बड़े ब्लॉगर, 20 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर, वो क्या करते थे? पहले आर्ट ही तो बनाते थे, सौरभ जोशी आर्ट उनका चैनल था। ऐसा नहीं है मेरे भाई, कोई भी अगर आपके अंदर स्किल है, कोई भी टैलेंट है, हम बता सकते हैं, आप हो ही नहीं सकता कि आप ग्रो ना करें। और सिर्फ ये नहीं, यूट्यूब पे ही किसी भी फील्ड में गदर मचा सकते हो अगर आपको वाकई में आता। हमने आपको कई वीडियोस बना के दी हैं, कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पे आप अपने फोटोज बेच सकते हैं, बहुत सारी चीजें। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम इस पर डिटेल वीडियो बना देंगे कि जिनमें पेंटिंग का शौक है वो लोग क्या क्या कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, लेकिन बिल्कुल कर सकते हैं भाई। ठीक, सर्वेश जी आपकी कृपा से सब ठीक है सर, एग्जाम खत्म, रिजल्ट का इंतजार है और कॉलेज का इन्होंने नाम बता दिया, सब अच्छा ही होगा मेरे भाई, इंतजार क्या, मौज काट देंगे।
बिनर्स का चेला, सेमेस्टर फोर्थ केमिस्ट्री स्टार्ट कीजिए भाई। तो अभी तो आप मान के चलिए, क्योंकि इधर एमजेपीआरयू हमारी तरफ लग रही है, अभी थर्ड सेमेस्टर के जब एग्जाम हो जाएंगे, यानी मान के चलिए 15 से 20 दिन लग जाएंगे, तब जाके आपका फोर्थ सेमेस्टर स्टार्ट हो पाएगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। सर क्लास ट्वेल्थ में स्कूल और डिस्ट्रिक्ट टॉप करने के लिए कितनी परसेंटेज होनी चाहिए? इस पर हमने डिटेल वीडियो बनाई थी, लेकिन हम यही कहेंगे स्कूल टॉप करने के लिए तो नॉर्मली 84% 85% में स्कूल टॉप हो जाता है, कई जगह वो 87-88 में पहुंच जाता है, और वही डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी हो जाता है कभी 87-88-90 के करीब। लेकिन अगर आपको पूरा स्टेट यानी मंडल टॉप करना है तो कम से कम आपकी 95% प्लस होनी चाहिए, या 95 के करीब करीब नंबर होने चाहिए मेरे भाई। ठीक है, अगर किसी की 90% से ऊपर बढ़ती है, मतलब वो लिस्ट में तो आ ही जाएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है भाई, बिल्कुल भाई। द विवेक पूछ रहा है बीएससी जेडबीसी के बाद एमबीए कैसा रहेगा? बिल्कुल कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं, लेकिन फिर वही बात है, एमबीए किसी ऐसे कॉलेज से करो जहां पे सीखने को मिले। ये बात याद रखिएगा मेरे भाई, सीखने को नहीं मिलेगा तो फिर आजकल आप देख तो रहे हैं, हालांकि हमें मालूम है एमबीए चाय वाला में एमबीए वो डिग्री नहीं है, लेकिन आजकल आप देख तो रहे, कोई बीटेक पानीपुरी वाली है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। ओवरऑल बात यही है कि अगर आप वाकई में सीख लेते हो तो ऐसे ऐसे पैकेज लोग करोड़ों रुपए छापते हैं और बाहर तक चले जाते हैं, विदेशों तक में। हालांकि हम कुछ लोग हमसे कहते हैं सर आप बाहर क्यों नहीं गए? अरे यार, हमें मेरा हमेशा से मिशन है कि हमें शाहजहांपुर को चमकाना है, नक्शे पे लेके आना जो नहीं भी जानते, हालांकि जानते हैं शाहजहांपुर को शहीदों की नगरी कहा जाता है, लेकिन अभी भी उतना लोग ज्यादा नहीं जान पाते। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कोई कहे कि जहां से बी डिकेडियन है ना, वहीं शाहजहांपुर है, तो धीरे धीरे करके लोग जानने लगेंगे। तो बस यही है मेरा मन, ये हमेशा ये रहता कि जहां आप रहते उसके लिए कुछ कर सको आप। ठीक है, उस बात के लिए प्रिविलेज बनो सर, उस बात के लिए प्रिविलेज हैं हम थोड़ा सा कि हाँ धीरे धीरे चीजें हो रही हैं, लेकिन ओवरऑल बात यही है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपको विदेशों में भी जाना और बड़ा पैक है तो आप ये सब कोर्सेज करके बहुत अच्छा बना सकते हो मेरे भाई। सर कुछ यूके बोर्ड के बारे में बता दीजिए। देखिए, यूके बोर्ड से रिलेटेड बहुत ज्यादा जानकारी नहीं रहती, क्योंकि पिछले 12 सालों से हम लगातार यूपी बोर्ड पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी पैटर्न है सबका सेम ही होता है। जो भी टॉपिक्स हैं सारी प्लेलिस्ट 12th की बनी हुई है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं सर। ठीक है सर, आज आपके चेहरे पर मुस्कान तो है बट रियल नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है, रियल मुस्कान अलग ही झलकती है, एनी प्रॉब्लम सर? अभिराज जी कह रहा है। तो अभिराज भाई, एक्चुअल में अभी आज 5वां दिन, हम बहुत ज्यादा थके हुए हैं, उसकी रियलिटी है कि इस बार जो अपने 9 व्रत है वो पूरे हमने रख लिए हैं सर। ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, चीजें चल रही और हम बहुत खुश हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब 5 दिन से आपने नॉर्मल मतलब कुछ खाया नहीं है बहुत ज्यादा, तो फिर थोड़ा बहुत तो थकावट है, सारी चीजें होता है सर। ठीक है, तो अभी 4 दिन और रह गए हैं, 9 दिन पूरे हो जाएंगे, दोबारा से सारी चीजें वापस आएंगी रनिंग में, और तब आपको वैसे ही मुस्कान पर देखने को मिल जाएगी भाई। वैसे तक कोई टेंशन नहीं, हम दुखी नहीं है सर। ठीक है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमसे ज्यादा खुश है ही नहीं कोई। हम तो ये भी कहते हैं बुरा जो देखे मैं चला बुरा ना, हमसे ज्यादा कोई बुरा नहीं, लोग हमसे आगे कहते हैं वो बड़ा बुरा। ठीक है यार, जो कह रहा था बहुत अच्छी, हमसे ज्यादा कोई बुरा नहीं है, हम खुश हैं यार अपने आप में भाई, सीधी सी बात है। ठीक है, यूपी बोर्ड रिजल्ट की एक्सपेक्टेड डेट मई लास्ट में मान लीजिए, या जून में रिजल्ट जा सकता है, वैसे मई में लास्ट तक आ जाना चाहिए भाई। ठीक है, मैथ में सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, पास हो जाएंगे? हाँ, लगभग पासिंग मार्क्स मिल जाते हैं, अगर आप 12th की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल पास हो जाएंगे भाई। ठीक है, A to Z सर अपना टाइम टेबल बताइए। देखो भैया, आज हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं, बस इतना ही रखेंगे और हम टाइम टेबल ही बताते हैं सर। ठीक है, मेरा अगर टाइम टेबल की आप बात करेंगे तो मेरा कोई टाइम टेबल है ही नहीं। क्या मतलब, हम आप जरा ध्यान से समझिए, टाइम टेबल हमारे एक सर जी हैं, वो कहते थे कि टाइम टेबल जो है वो सेक्चुअली लोग बनाते हैं। सेक्चुअली का मतलब क्या है, कुछ लोग कहेंगे सर जी क्या बात कर रहा हो। हाँ, मेरा हमेशा से मानना, अपना अपना समझना हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि जो काम करना है उसे करना है फिर मेरे भाई, उसके अलावा फिर कुछ विकल्प नहीं है। अगर हमें पता होता है कि आज हमें 15 वीडियो शूट करनी है, ठीक है, जैसे अभी एप्लीकेशन लॉन्च हुई है उस पर कोर्सेज हैं, 6 तारीख से क्लासेस आएंगे, तो तुरंत थोड़ी आ जाएंगे, डेली थोड़ी हम लोग 15 वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे, तो काम हो रहा है उस पर। अब वैसे ही बच्चा कह रहा है सर मुस्कान झूठी लग रही है, थके हुए हैं ना सर इस वजह से, तो काम हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, तो जब करना है तो फिर करना है, उसके लिए टाइम टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, ना उसके लिए किसी मोटिवेशन की जरूरत है, करना है, और उसके पीछे कोई एक ऐसी ठोस वजह होनी चाहिए कि क्यों करना। जैसे कोई अपने मम्मी पापा के लिए करता है, कोई मजबूरी में करता है, कोई पैसे कमाने के लिए करता है, कुछ भी हो सकता है। हमसे अगर आप पूछोगे हम YouTube पे क्यों आए, बहुत सारे लोग होंगे नहीं, उनका हमेशा से विजन होता है कि YouTube पे बहुत पैसा आए, आ जाओ भुगतोगे। मेरे भाई, जो भी लोग ये सोच के आ रहे हैं कि YouTube पे बहुत पैसा है, वो सब भुगतेंगे। क्यों? क्योंकि आने वाले 10-15-20 दिनों बाद वो वीडियोस डालेंगे, उस पे व्यूज नहीं आएंगे और वो भुगत जाएंगे। उनके पास फाइनल गोल पैसा है, और जहां फाइनल गोल पैसा है वो व्यक्ति भुगतेगा, सीधी बात है। हमने कम से कम स्टार्टिंग की 3000 वीडियो जो बनाई,
तब तक कुछ पता ही नहीं चलता था। कई कई बार हम वीडियो डालते थे उस पर 9 views लिख के आते थे, लेकिन हम इसलिए आए ही नहीं थे YouTube पे। हम क्यों आए थे हम आपको बताते हैं, रियलिटी बिल्कुल। हम यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाते हैं सर, ठीक है, 12th में ऑफलाइन बच्चों को। तो जो बच्चे गरीब थे, पहले हम हिंदी में टिक वगैरह लगवा देते, उसका टेस्ट ले लेते थे। जो बच्चे गरीब थे वो बेचारे कहीं भी जाके बायोलॉजी या इंग्लिश नहीं पढ़ पाते थे। मेरा सब्जेक्ट नहीं है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अरे यार नहीं है सब्जेक्ट तो कैसे पढ़ा रहे हो। लोग 50 बातें कहेंगे, 50 गालियां देंगे, लेकिन फाइनल गोल क्या है? जो बेचारा गरीब आदमी है जो कहीं नहीं पढ़ पा रहा, कम से कम इसी बहाने हमारी थोड़ी सी जो है लोगों से सामना करने के कारण कम से कम वो कुछ तो पढ़ पाएगा, कुछ कंटेंट तो हम दे पाएंगे उसे। इसी वजह से आए थे और इसी वजह से बायोलॉजी इंग्लिश आज भी हम पूरी पूरी सीरीज लेके आते हैं, और जो हमने कोर्सेज भी बनाए हैं उस पर, जो अपनी एप्लीकेशन है उसमें भी सारी चीजें हमने जो है फिजिक्स के बैच के साथ में इंग्लिश फ्री दे रखी है, ठीक है, केमिस्ट्री के बैच के साथ भी। इस वजह से सारा पूरा सेटिंग करके रखी, क्यों कहीं भटकना ना पड़े आदमी को। हम मेहनत कर लेंगे और जब गोल बिल्कुल क्लियर, इतने सारे बच्चों की आपके ऊपर जिम्मेदारी है, तो जाहिर सी बात फिर आप कहाँ जाओगे यार, फिर टाइम टेबल है तब भी करना और नहीं है तब भी करना, लगे रहना। लेकिन अगर हम आपको एक मोटा मोटा अंदाजा बता दें, तो जब मेरे क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं सारे यहाँ पर ऑफलाइन वाले, तो हम सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, 6 से 9 मेरा क्लास होता है, ठीक है, सुबह ऑफलाइन क्लासेस होते हैं यहाँ पर। उसके बाद 9 बजे हम घर चले जाते हैं, लगभग चाय पीते हैं, 10 से 12 बजे तक मौज काटते हैं, 12 बजे फिर हम आते हैं वीडियो शूट करते हैं, उसके बाद 2 बजे से फिर क्लास होता है, फिर हम पढ़ाते रहते हैं लगातार 7 बजे तक ऑफलाइन में। फिर हम हाथ मुंह धोते हैं, चाय आ जाती है यहीं पी लेते हैं, कभी फिलहाल हम चाय उतनी नहीं, 7:30 बजे से फिर हम लगभग 12 से 1 बजे तक यहीं रहते हैं और वीडियो शूट करते रहते हैं सर, ठीक है। एक आध वीडियो पब्लिक की, फिर शूट किया, बैठ गए, फिर कुछ वीडियो लेके घर चले जाते हैं, 2-3 बजे तक हम काम करते रहते हैं, 3 बजे के आसपास सो जाते हैं और अगले दिन फिर सुबह 6 बजे उठ के यहाँ आ जाते हैं सर, ठीक है। ये मोटा मोटा हमने आपको टाइम टेबल बताया, लेकिन ओवरऑल का है तो मेरा मन हुआ 10 से 12 फ्री है, लेट गए, थके हुए हैं, थोड़ा सो लिए, यानी हम मैनेज करते हैं चीजों को, जो काम करना है फिर वो करना है मेरे भाई। तो उम्मीद करते हैं पूरी बात समझ में आ गई होगी, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।